तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में ये जो हमारे पास में फ़ोन है रेडमी का 9 पावर, इस मोबाइल फ़ोन में जैसे कि मान लो कि इसमें टाइप सी का चार्जिंग जैक लगता है, टाइप सी का। तो अपन लोगों ने पहले के वीडियो में फिर पढ़ा था कि मोबाइल फ़ोन में जो V8 का चार्जिंग जैक लगता है उसके बारे में थोड़ा कवर किया था कि चार्जिंग ऐसी कहाँ लगती है, ये सारी चीज़ पता किया था। आज के वीडियो में ये टाइप सी का, इसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आज के ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में टाइप सी जैक आने लगा है और इसको चेक करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे और कैसे चेक करते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि ये हमारा चार्जिंग जैक रहता है, चार्जिंग जैक से 5 वोल्ट करंट जो जाता है। तो यहाँ पर जो पत्ता लगता है इसको UI का, ये जैक यहाँ से ये पत्ता लगता है और ये B2B कनेक्टर के सहारे से यहाँ पर चार्जिंग आता है। और यहाँ से आने के बाद में इसमें OBP कहाँ पर लगता है, OBP के बाद में करंट चार्जिंग ऐसे कैसे जाता है, तो ये आज के वीडियो में हम लोग सारा कुछ देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम बता दें कि हमारा चार्जिंग जैक है और इसमें क्या है कि इसमें मोस्टली चेक किया जाए तो इसमें 14-15 पिन का पूरा जैक है ये। तो इसमें सबसे किनारे वाला जो पिन रहता है वो माइनस रहता है और सबसे इधर वाला ये किनारे का पिन रहता है वो भी माइनस रहता है, और इधर से जो चौथा नंबर पिन रहता है वो पॉजिटिव रहता है जिसमें प्लस रहता है, और ये साइड से भी चौथा नंबर जो रहता है वो प्लस रहता है। तो अगर इनमें से कोई भी लाइन का अगर चार्जिंग चार्जिंग खराब है, पिन टूट जाती है, या तो जैक में कार्बन आ जाता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो बेसिकली जैक को चेंज करते हैं। मगर इससे पहले हमें जैक को चेक भी कर लेना होता है कि जैक ही ख़राब है कि मोबाइल फ़ोन में दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ को, ये अगर हमारा जैक सही है तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए तो देखो हम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर चार्जिंग को कभी भी चेक करना है तो आपको क्या करना, एक काम करना, मोबाइल फ़ोन में जैक को UI को इसे निकाल लेना और मोबाइल फ़ोन में इसे चार्जिंग को UI में चार्जिंग को इंसर्ट कर देना इस तरह से। और इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको वोल्टेज इसमें चेक करेंगे। तो ये हमारा मल्टीमीटर शायद आप लोगों को शो कर रहा होगा, और इसमें हम क्या चेक करेंगे, अपना वोल्टेज चेक कर लेंगे। 5 वोल्ट करंट समथिंग यहाँ पर भी बनता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी रहता है कि एक पिन को इधर ही हम लोग ग्राउंड कर लेते हैं, और ग्राउंड करने के बाद में 1 2 3 4 चार नंबर पिन में टच करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट करंट समथिंग दिखाई देना चाहिए। तो देखो मैं चेक करता हूँ, तो ये देखो 5.3 वोल्टेज को समथिंग दिखाई दे रहा है, और इधर से भी अगर चेक करेंगे तो इधर से भी चेक करने के लिए एक चीज़ रहता है कि आप वो इधर से फिर वही 4 नंबर पिन, तो 1 2 3 4 चार नंबर पिन में चेक करोगे तो भी समथिंग 5 वोल्ट ही करंट दिखाई दे रहा है। तो ये करंट बनना चाहिए, इससे ये डिसाइड होता है कि हमारे फ़ोन का ये जो जैक है ना ये सही है। और इसके बाद में अगर हमारे UI में करंट सही है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या रहता है कि अगर कोई भी UI, चाहे वो V8 का फ़ोन हो चाहे वो टाइप सी का हो, किसी में भी देखोगे तो एक ऐसे बड़ा सा कैप लगा रहता है, कैप के एक सिरा में ज़्यादातर मैंने चेक किया है कि उसमें उस यही वीबस का लाइन का रहता है, और इस लाइन में 5 वोल्ट करंट मिलता है इसमें। तो ये साइड में शायद माइनस होगा तो ये साइड में पॉजिटिव होगा, तो इधर में देखोगे तो इस कैपेसिटर के ये सिरा में भी प्लस का 5 वोल्ट मिल रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पर नहीं मिलता है तो भी क्या रहता है कि कनेक्टर तक तो सही रहता है मगर फिर हमारे बोर्ड में करंट नहीं चलता है। और जब तो फिर इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, अगर थोड़ा भी यहाँ से तो पॉजिटिव का लाइन उठा के यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसमें चार्जिंग फ्लो कर जाएगा और आपके OBP और चार्जिंग ऐसे तक करंट जाएगा और फोन में बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो आपको इस तरह से यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा चेक कर लेना है, और अगर यहाँ के बाद में अगर फिर आगे चेक करना है कि ऊपर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये हमारा जैक है, जैक के दोनों सिरा में लगाएंगे तो भी लमसम 5 वोल्ट करंट ही मिलता है। तो इसके लिए तो मल्टीमीटर को हम ऑन कर लिया, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी चेक करते हैं, इसके दोनों सिरा में देखोगे तो समथिंग 5 वोल्ट करंट इसमें भी आ रहा है। तो इस तरह से ये रहता है कि हमारा ये जो UI ये तो प्रॉपर वर्किंग में है और काम कर रहा है। अब जब हम इसको यहाँ पर फिट कर देंगे तो इसमें करंट आ जाएगा समथिंग 5 वोल्ट करंट। अभी क्या करेंगे, हम ऊपर वाले बोर्ड को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में इसमें चार्जिंग लगा देंगे। तो चार्जिंग लगा देंगे तो फिर इस तरह से लगा देना, और लगाने के बाद में अब तुम चार्जिंग लगाओगे तो चार्जिंग लगाते ही करंट आपको ऊपर में आएगा। तो ऊपर में आएगा तो ऊपर में भी चेक कर लेते हैं करंट कहाँ पर आ रहा है कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आप जहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर देखोगे किसी ने सोल्डर सा लगा दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी देखोगे तो 5 वोल्ट करंट समथिंग आ रहा है। तो 5 वोल्ट करंट, तो इसी पॉइंट को बोला जाता है वी बस का पॉइंट।
यही तुम्हारे मोबाइल फोन में चार्जिंग के पॉजिटिव का पॉइंट रहता है, अगर यहाँ तक करंट नहीं आता है तो आपका यूआई में प्रॉब्लम रहता है, या तो ये पत्ता V2B कनेक्टर में दिक्कत रहता है, तो फिर उस समय पर हमें यूआई में काम करना पड़ता है या पत्ता को नया लगाना पड़ता है। तो कोई कोई क्या करता है, नीचे से वो जो कैपेसिटर लगा था यहाँ से उठा के जम्पर उठा के ऊपर तक पॉजिटिव सिरा में जोड़ देता है, तो भी मोबाइल फोन में चार्जिंग होने लगती है। मगर इसके बाद मोबाइल फोन में ये तो लगी है, तो आपकी पावर आईसी जिसके पास में बहुत ढेर सारी बक कॉइल लगी हैं, और यहाँ पर ये तो ऑडियो कोडेक लगा है आपका, ऑडियो आईसी जिसको बोलते हो, और मगर यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा शील्ड जो कवर है ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है इधर का सिरा पूरा, तो यहाँ पर पावर आईसी और ऑडियो आईसी के अलावा कोई भी इसमें मोबाइल फोन में चार्जिंग के इधर में आईसी कुछ भी नहीं है, तो शायद ये पीछे में लगा होगा, क्योंकि इसकी जो आईसी रहती है चार्जिंग आईसी कुछ भी आईसी रहती है, तो मोबाइल फोन में या तो फिर ये जो जैक पत्ता लगता है ये तो चार्जिंग जहाँ पर आई यहाँ पर ही कहीं पर चार्जिंग आईसी लगा दिया जाएगा, या तो फिर कंपनी क्या करती है इसके जस्ट पीछे ही, मतलब ढूंढना भी इतना आसान रहता है कि आप लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन में चार्जिंग आईसी को और फोन के कौन आईसी को कैसे पहचानेंगे, उतना इसमें टफ नहीं रहता है। और आपको क्या करना है, बोर्ड को जस्ट ऐसे उल्टा कर लेना है, आप जब यहाँ पर उल्टा करोगे तो हम तुम्हें थोड़ा जूम करके दिखाते ये हमारा चार्जिंग का पत्ता है, चार्जिंग का पत्ता है, और ये हमारे फोन में ये जो लगी है ये OVP IC है, ये जो छोटी सी लगी है ये OVP IC है, और ये OVP IC है, और ये उसका इनपुट का कैपेसिटर है जिसमें 5 वोल्ट मिलेगा, और ये आउटपुट का ऐसा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो 5 वोल्ट आना चाहिए, और यहाँ पर भी 5 वोल्ट, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर ये सीधा जो पत्ता लगा है जो नीचे में B2B कनेक्टर, इससे करंट यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ तक आएगा तो फिर इस कैपेसिटर में भी आना चाहिए, तो इससे ये पता चल जाता है कि जो चार्जिंग ये आईसी है तो इनके अंदर करंट जा भी रहा है और निकल भी रहा है, और यहाँ से आउट होके सबसे बाद में फिर इस कैपेसिटर में करंट आता है, यहाँ पर करंट आने के बाद में फिर एक यहाँ पर छोटा सा कैपेसिटर लगाए, और इसके बाद जाने के बाद ये आईसी के इस पिन में चला जाता है। अब मैं तुमको ये सारी चीज़ें मैं चेक भी करा दे रहा हूँ, तो ये हमारा मल्टीमीटर है, वीडियो को थोड़ा मैं आउट करता हूँ, जूम आउट करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सारा कुछ दिखाई दिए, तो मैं इसमें चार्जिंग तो ऑलरेडी लगा ही रखा हूँ, और इसके बाद में क्या करना है कि आपको एक यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, आप चार्जिंग लगा के ही चेक करना है, तो यहाँ पर भी देखोगे तो सेम उतना ही वोल्टेज नज़र आ रहा है, 5 वोल्ट समथिंग आ रहा है, 5 वोल्ट समथिंग आ रहा है, और अगर ये OVP IC अगर यहाँ से आउटपुट होगा तो इस कैपेसिटर में भी वोल्टेज बनेगा 5 वोल्ट समथिंग, उतना ही आएगा, मगर यहाँ पर थोड़ा बहुत माइनर सा ड्रॉप होता है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज आया, इसका मतलब ये आईसी के अंदर करंट गया, इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है, तो ये आईसी वर्किंग में पूरा काम कर रही है, अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है और यहाँ पर नहीं मिलता है तो ये आईसी फॉल्टी रहता है, और इसको क्या करना पड़ता है आपको हटाना पड़ेगा, और हटा के इस कैपेसिटर के जिधर में 5 वोल्ट आ रहा है उसके इस सिरा में, इसके ये सिरा में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये सिरा में जिधर में इसमें 5 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको जम्पर करना पड़ेगा, और जब लाइन को बाईपास करोगे तो OVP बाईपास हो जाएगी, बशर्ते उसमें समय पर तुमको OVP को हटाना पड़ेगा, तो हटा दोगे तो फिर क्या रहता है कि ये लाइन बाईपास हो जाएगी और आपका करंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में क्या रहता है कि फिर यहाँ पर करंट आएगा, तो ये फिल्टर कैपेसिटर से होके फिर एक कैपेसिटर छोटा सा बिल्कुल यहाँ पर लगा, यहाँ पर, और इसके बाद में करंट आपका इस आईसी के इस एक नंबर यहाँ पर आ जाता है, इस वाली पिन में आता है, सही से मैं तुम्हें थोड़ा दिखा दूँ, चेक करा देता हूँ, यहाँ पर आ रहा है, तो ये करंट आ रहा है, आप थोड़ा जूम आउट करके भी सही दिखा देंगे, अभी अभी मैं तुमको फिर से चेक करा दे रहा हूँ, देखो ये बॉल है जो इसका एक नंबर पिन है, यहाँ पर भी देखो 5 वोल्ट करंट आ रहा है समथिंग, तो इस तरह से यहाँ तक करंट आएगा, और अगर इसके यहाँ तक करंट आएगा और फिर यहाँ पर देखो ये PMI 632 IC लगी है, और ये चार्जिंग आईसी है फोन में, इस आईसी के अंदर में क्या है कि इस चार्जिंग आईसी के अंदर में ग्राफिक आईसी भी इसी के अंदर रहता है, और इसके अंदर में DMDP भी यहीं से कंट्रोल, यहाँ से ही वोल्टेज DMDP को भी जाता है, और ID थर्मिस्टर भी यहीं से कंट्रोल होता है, तो ये एक आईसी किसी भी मॉडल में लगी हो, चाहे वो क्वालीकॉम बेस का फ़ोन हो और चाहे मीडियाटेक का फ़ोन हो,
ज़्यादातर मैंने इमीडिएटिंग में नहीं लगती है, ज़्यादातर ये क्वालीकॉम के ही फ़ोन में लगती है। तो ये सारा चीज़ DMDP भी उसी में आएगा और ID थर्मिस्टर भी उसी से कंट्रोल होता है और चार्जिंग भी इसी से कंट्रोल होता है और ग्राफिक IC का काम भी यही IC करती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक आएगा चार्जिंग और यहाँ से जब इस IC में लगा होता तो यहाँ से वो करंट फिर VPH बनता इस कॉइल में और VPH बनता तो पूरे सिस्टम को चलता, जिससे फ़ोन ऑन होता, ऑन होने के बाद में फिर वो बैटरी को भी करंट जाता, जिससे कि आपके मोबाइल फ़ोन में जस्ट इसी के जस्ट पीछे VBAT के ये सारे कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ से करंट जाता, ये डायोड लगा है और वो इसके जस्ट पीछे यहाँ पर आपके करंट VBAT में भी आता और आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी चार्ज होता, बैटरी चार्ज और चार्जिंग होने लगता है। और अगर नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ तो फिर ये रहता है कि आपके फ़ोन का ये जो IC है ना, IC का फॉल्ट रहता है, तो फिर इसको भी प्रॉपर चेक करना पड़ता है। अब इसको चेक करने के लिए तो एक मैं किसी वीडियो में आपको ये PMI 632 के बारे में पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं होती है, ये तो फेक चार्जिंग होता है, ये तो होता है बंद हो जाता है, ये सारी चीज़ की प्रॉब्लम के बारे में मैं पूरा डीपली में समझा दूंगा कि ये IC कैसे काम करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैंने सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, और अच्छा लगे तो लाइक करो।